एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवदी गुड वाइब्स। और आज है गणेश चतुर्थी, नहीं आज है गणेश चतुर्थी का चौथा दिन है और हम लोग जा रहे हैं गणपति अपन के पास। तो हमने तो नहीं रखे हैं, बट हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे एक मंदिर है, दर्शन करने जा रहे हैं लोग और वहाँ पे गणपति बप्पा रखे गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पर उनके दर्शन करने। और आज वहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी है तो वो भी देखेंगे। तो दीदी तो नहीं जा रही, उनकी चोट लगी है और उनकी तबीयत भी खराब है तो वो तो नहीं जा रही। मैं, मम्मी और पापा जा रहे हैं, तो आज दीदी नहीं रहेंगी ब्लॉग में, मैं रहूंगा पूरा ब्लॉग। आज जो मैं है शूट करूंगा, आज जो है वो पूरा ब्लॉग बच्चा शूट करके आपको दिखाएगा। आई होप बच्चों को अच्छे से कर लो, ऑल द बेस्ट। बोलो मत, दीदी ने मुझसे ही सीखी है, दीदी ने मुझसे ही ब्लॉगिंग सीखी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, मम्मी कार में बैठ रही हैं और मैं अभी, ओ देखो दीदी बाहर कर रही है। मम्मी अभी यहाँ पे ले रही हैं केला, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गणपति अप्पा के पास, इसलिए मम्मी ले रही हैं यहाँ पे। आ चुके हैं मंदिर में और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, मतलब अभी प्रोग्राम लगता है चल रहा है, थोड़ा बहुत भजन भजन चल रहे हैं, तो आवाज़ थोड़ा शायद धीमे आ रही हो, बट मैं तो इतना तेज़ बोल रहा हूँ। और अब आपको दिखाते हैं, वो काफ़ी यहाँ पे भक्तों में जोश दिखाई दे। अभी हम लोग ने यहाँ पे गणपति बप्पा के दर्शन कर लिए और यहाँ पे अभी थोड़ा डांस भी चल रहा था। और काफी देर से यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे आंटी में गणपति बप्पा बन के बहुत देर से खड़े थे और अभी वो दर्शन लग गए। अभी यहाँ पे भजन वजन चल रहे भगवान। अभी हम लोग जा रहे हैं और काफी टाइम हो गया, तो यहाँ पे हम लोग उतनी मतलब भीड़ नहीं दिखी, बट अगर सच बात बोलूँ, अगर यहीं पे भंडारा होता तो इससे डबल भीड़ होती। और अगर मैं आपको यहाँ पे लोगों की शक्ल दिखाऊँ तो ऐसा लगता है जबरदस्ती बताए गए। कुछ लोग की शक्ल देखिए, जैसे आप इन आंटी को देख सकते हैं, फुल टू सीरियस है। इनको देखिए, अंकल को काफी देर से ऐसा लग रहा है मारने के मूड में है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सिर्फ उधर वालों में जोश है, सिर्फ उधर वालों में। फिर से तो आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं हनी पे, क्या वहाँ पे उनकी दीदी के मतलब कपड़े थोड़ी साइड से अलग हो गए थे। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या हो गए थे उनके कपड़ों को? सिलाई कट गई थी। हाँ, तो मतलब वही दिया था और उनके कपड़े अभी लेने जा रहे हैं यहाँ पे। दर्शन कराए, निधि आई नहीं, आ बैठो।
अरे वो गाड़ी में बैठे वहाँ ऐसे तो नहीं होता है। लेने आए थे और यहाँ पे आंटी ने कराई नहीं है, सिलाई नहीं है, जा रहे हैं फिर से निराश होके लेट लपेट। कुछ हो ही नहीं रहा, एक्साइटमेंट नहीं आ रही ना व्लॉग में, एक्साइटमेंट कुछ करना पड़ेगा एक्साइटमेंट के लिए। आज जा रहे हैं तो सोचा मैं बताशा ही खा लूँ, मम्मी तो नहीं खाएंगी, मम्मी को हार्म कर जाता है, तो मैं ही खाने जा रहा हूँ। मैंने ले लिया आइसक्रीम, हाँ ये मैंने हैवमर से अपने ले ली, दीदी तो वैदी ला ली खाएंगे, दीदी के लिए भी बड़ी वाली आइसक्रीम दे रहा हूँ। तो आते समय तो इतना अच्छा वेदर हो गया था, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और काफ़ी अच्छा व्यू हो गया था, तो सोचा आपको भी दिखाऊं मैं। घर बड़ी जल्दी आ गए घर हम लोग, आज तुरंत गणपति अप्पा के दर्शन किए, आइसक्रीम ली और घर आ गए। तो ये था गणेश चतुर्थी का व्लॉग, होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।